फ्रेंड्स वेलकम टू लीक टीम सेशन। आज का जो सेशन है उसमें भी हम एनआईओएस के जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन पेपर मैथ्स का होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है द कॉस्ट ऑफ अ कार वॉज ₹4,50,000 इन जनवरी 2010 इफ द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज 15% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 10% फॉर द सबसिक्वेंट ईयर। Find its value after 3 years। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ कार वॉज 4,50,000। जनवरी 2010 में कोई कार है उसकी कॉस्ट जो थी वो 4,50,000 थी। ठीक है, इफ द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन मीन्स होता है मूल्य में कमी, मूल्यह्रास मीन्स रेट में जो है वो कमी हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में जो है मूल्य में मतलब जो रेट में कमी आई है वो 15%। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 10% फॉर द सबसिक्वेंट ईयर। बाकी जो 2 साल और बचे हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू 3 इयर्स बाद की निकालनी है। तो फर्स्ट ईयर की इन्होंने बता दी 15 इयर्स ना 15% की कमी हुई है और लास्ट के जो 2 ईयर बचे हैं उसमें 10% की कमी आई है। तो फिर हमें आफ्टर 3 इयर्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या उसकी कॉस्ट होगी, क्या मतलब उसकी प्राइस क्या है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले प्राइस क्या है, 4,50,000। और रेट क्या है, रेट फर्स्ट ईयर के लिए है 15%। तो इसलिए 15% और जो दो मतलब और साल बचे हुए हैं उसके रेट को 10% R2 मान लेते हैं उसको। ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये P × 1 − R1/100 × 1 − R2/100। यहाँ पे पावर 2 लगा देंगे बिकॉज R2 10% जो है वो 2 ईयर के लिए। अगर R की वैल्यू सेम होती तो पावर 3 लगाते, बट R की वैल्यू तो डिफरेंट है, एक में 15 इयर्स के लिए 10% 2 ईयर के लिए। तो इसलिए 10% वाले को पावर 2 कर देंगे क्योंकि 2 ईयर के लिए। अब P की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 4,50,000। ठीक है, 1 माइनस यहाँ आया 15/100, ये 1 − R2 की वैल्यू 10/100 का होल स्क्वायर। तो इसको दो बार में लिख लेते 1 − 10/100। ठीक है, तो जब इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 5 = 15 और ये क्या हो जाएगा 25 × 100। तो 4,50,000 इसको मैंने इसलिए कर दिया जिससे कि ये लोवेस्ट टर्म में आएगा तो फिर सॉल्व करने में इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये 17/20 आया और इन दोनों सॉल्व करने पे आएगा 9/10 × 9/10। तो ये जीरो जो है तो जीरो से तो तीनों जीरो से इधर वाले जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 225 आएगा। ठीक है, 17 × 9 × 9 × 225। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1,377 × 225। तो ये इसका जो आएगा वो है 3,098,25। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो इसकी प्राइस आएगी वो आएगी 3,09,825। ठीक है, ये इसकी प्राइस आएगी। तो पहले क्या था, जनवरी 2010 में 4,50,000, फिर जब इसमें मतलब 15% और 10% की कमी की गई 3 इयर्स के लिए तो इसकी कॉस्ट केवल 3,09,825 रह गई। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस देखने में इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही थी, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था। पी की वैल्यू दी हुई थी और R1 मैंने 15% मान लिया फर्स्ट ईयर के लिए, R2 10% लास्ट के 2 ईयर के लिए मान लिया और फिर पी की वैल्यू पुट की। ये फॉर्मूला है 1 − R1/100 1 − R2/100। क्योंकि 2 ईयर के लिए था इसलिए यहाँ पावर 2 लगा दी, बाकी इसको नॉर्मली सॉल्व कर दिया तो इसका ये आंसर है 3,09,825। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए आज का सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं। तो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर इफ द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है कोई, तो उसके जो मतलब लेंथ है इज 20 मीटर, मतलब जो 20 मीटर गैप इफ द लेंथ इज
पेरीमीटर है गार्डन का 20 मीटर, इफ द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ, मतलब उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों पूछा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लेट द ब्रेथ, ब्रेथ को मान लेते हैं, ब्रेथ इज एक्स मीटर, ठीक है, एक्स मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है ना, तो लेंथ एक्स प्लस 4, ठीक है, एक्स प्लस 4 मीटर हो गया। अब पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, एल से लेंथ डी से ब्रेथ। पेरीमीटर की वैल्यू उन्होंने दिया है 20 मीटर, सॉरी मीटर में है, हाँ सही, ये भी मीटर में है, 20 मीटर, और ये 2। लेंथ की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 माना है उन्होंने, ब्रेथ क्या है एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो 20 इज इक्वल टू 4x प्लस 8, ठीक है, 4x प्लस 8, तो 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 यानी 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/4, 3 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आई, 3 मीटर। x क्या माना था हम लोगों ने, ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की, मतलब गार्डन की जो ब्रेथ है वो 3 मीटर हो जाएगी, और लेंथ क्या, तो 4 मीटर ज्यादा है ना इससे, तो x प्लस 4 है यानी 3 प्लस 4, तो लेंथ हो जाएगी 7 मीटर। तो जो गार्डन है, गार्डन की लेंथ वो 7 मीटर और ब्रेथ डी यानी ये 3 मीटर की हो जाएगी। तो इजी सा था ये, मतलब क्वेश्चन, पेरीमीटर दिया हुआ था, लेंथ बोला कि मतलब ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, तो हमने ब्रेथ को मान लिया एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 4 मीटर, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। तो 20 पेरीमीटर दिया हुआ था, तो पेरीमीटर 20 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू रखी एक्स प्लस 4, ब्रेथ की एक्स, और सॉल्व किया तो एल की वैल्यू 7 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू 3 मीटर। तो आई होप कि ये जो दोनों ही क्वेश्चन थे इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के जो सेशन होंगे उसमें हम लोग साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया करेंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी किया करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और किसी सेशन में मिलेंगे और किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीक टीम की तरफ से नमस्ते, थैंक यू।